हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। हम आपके भाई सिंगर दिनेश राणा। तो देखिए आज मैं कहाँ हूँ। मैं एक नया ब्लॉग के साथ आप लोग का स्वागत है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि साहब आप अच्छे होंगे तभी मेरा ब्लॉग देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, लाल किला का मेन गेट और मैं लाल किला एंट्री कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आगे मैं दिखाता हूँ हर एक लोकेशन। तो देखिए दोस्तों, मोदी जी यहीं से कहते हैं, भाइयों बहनों, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं झोला उठा के चल दूंगा, मेरा क्या है। यहीं से मोदी जी बोलते हैं, देख रहे होंगे आप इतनी ऊंचाई से, तभी तो हम लोग देख पाते हैं। और वैसे मैं कलाकार हूँ, इसके नाते मैं मोदी जी के स्टाइल में कर लेता हूँ। मित्रों, और बहुत आज दोस्तों दिल्ली घूम रहा हूँ मैं, तो थोड़ा थकावट भी ज़्यादा हो चुका है। वीडियो बने रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल एक से एक वीडियो बनाऊँगा और आप लोग को एक से एक ब्लॉग बना के दिखाऊँगा मैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया लाल किला का मार्केट। ये लाल किला का मार्केट है अंदर। यहाँ मार्केट लगाने के लिए बहुत ज़्यादा किराए देना होता है। सब भाई लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। ये देख लीजिए, यहाँ लाल किला का मार्केट है, ये अंदर का। यहाँ 10 रुपये का सामान 40 रुपये में मिलेगा। ये देखा, वो अंग्रेज़ों का बनावट है, ये अंग्रेज़ों ने बनाया है, अंग्रेज बना के गए हैं यहाँ से। और 15 अगस्त के दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होता है। अभी पूरा गली है, ये बहुत अच्छा सजावट है और बनावट है, और एक से एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। देसी, विदेशी, परदेसी, हर तरह का लोग यहाँ पे आते जाते हैं। बिहार, झारखंड, यूपी, हिंदुस्तान का पूरा आदमी, और विदेशी भी बहुत आ रहे हैं। विदेशी लोग के देख रहे होंगे, देखिए। और देखिए दोस्तों, ऊपर कुछ है यहाँ पे, जो कि मतलब हमको भी कंफर्म नहीं है, वॉचमैन वगैरह बता नहीं रहा है। और अंदर में जाने का कष्ट किया तो कैमरा ले जाने के लिए मना कर रहा है कि आप ऊपर कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, तो इसीलिए मतलब मैंने टिकट अंदर का नहीं लिया है। और ऊपर ये रेस्टोरेंट है। 15 अगस्त के दिन जब मोदी जी यहाँ से बोलते हैं, भाइयों बहनों, मैं फकीर आदमी हूँ, तो यहीं पर आके खाना खाते हैं वो, देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ गार्डन ही गार्डन है, गार्डन ही गार्डन है। और इधर विदेशी भाई भी आए हुए हैं, इंग्लैंड वालों, जो यहाँ राज करते थे पहले, देख लीजिए, जो यहाँ राज करते थे पहले, वो लोग भी इधर घूमने के लिए आए हुए हैं और घूमते हैं, देखने आते हैं। इंग्लैंड के ही रानी राज किया है भारत में ना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, संविधान के किताब वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये सारे संविधान का किताब है, ये संविधान का किताब वगैरह सब है यहाँ पे रखा हुआ, देख लीजिए। यहाँ कोई खास है नहीं अंदर, ये गार्डन है और सारे बिल्डिंगें बने हुए हैं और लोग यहाँ सेल्फी लेने के लिए आते हैं। ये सब सेल्फी का जगह है। बाकी यहाँ देखने लायक 15 अगस्त का ही है और 26 जनवरी को ही। बाकी कोई खास लोकेशन आप लोग को नहीं लग रहा होगा, मज़ा नहीं आ रहा होगा वीडियो में, लेकिन मज़ा आएगा, लास्ट तक ज़रूर मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब राजा आया करता था तो ढोल नगाड़े बजाकर सबको सूचना देता था कि राजा आ रहा है। तो सारा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नौबत खान ने देता था खबर सबको। देखिए यहाँ से आवाज़ दिया करता था नौबत खान ने कि राजा या रानी कोई भी आता था तो, सॉरी, यहाँ से दिया करता था आवाज़। और आगे देखिए, इधर जो चेला चेपाटी लेबर लोग रहते थे, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आके राजा बैठते थे, यहाँ से ऑर्डर देते थे, आदेश देते थे कि किसको फांसी देना है, किसको नहीं देना है, यहीं पे आके बैठते थे। देखिए उनका ऊपर बैठता था, देखिए वहाँ गैप्स दिख रहा है ना, उसमें आके बैठते थे राजा, और यहाँ से सब हुकुम लेते थे और सबको सज़ा मिलता था। यहीं पर पंचायत होता था राजा का, देखिए दिखा रहे हैं, वहाँ पर आके राजा बैठते थे सफ़ेद वाले में, और यहाँ सब बैठ कर पंचायत सुनते थे उनका और कहानी को देखते थे। और इधर सारे लोग, इधर देखिए बहुत सारा मकान बना हुआ है,
इतनी सारी बातें दिखाना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करना चाहता हूँ। इधर सारे ज़्यादा करके रहते थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे शीश महल जो कहते हैं वो था, और जल पूर्ति का तो सारा यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए, सर लोग तामिल हैं, चेन्नई वगैरह से आए हैं घूमने के लिए और देखने के लिए। देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जल पूर्ति करता था यहाँ से लोग। यहाँ पे जल का वो था सारा, रानियाँ वगैरह का। ये देखिए, यहाँ सब बोर्ड लगा हुआ है, सब लिखा हुआ है। समय हो तो आप पढ़ सकते हैं, समय कम है हमारे पास, इसलिए ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। तो 6:15 बजे बाहर कर देता है यहाँ से, ये जानकारी मैं आप लोग को दे दूँ। 6:15 बजे यहाँ से बाहर जाना है, तो जल्दी जल्दी मैं भी ब्लॉगिंग करके बाहर निकलूँगा। और ये देखिए, अंदर फांसियों का महल था, ये अंदर दिखा रहा होगा, गेट बंद है अभी, यहाँ फांसी वगैरह दिया जाता था। ये सुंदर सुंदर देखिए नज़ारा, कितना अच्छा, बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है दोस्तों, ये पत्थर से बना हुआ है, सीमेंट वगैरह से नहीं बना हुआ है, टोटल पत्थर है ये। ये पत्थर का महल है ये, तभी तो राजा का महल कहा गया है और लाल किला कहा गया है। ये देखिए मस्जिद है, जब मुग़लों का राजा आया था तो यहाँ पे वो लोग मस्जिद बनवाए थे, और जो पीछे लाल लाल है वो अंग्रेज़ों ने बनवाए थे। ऐसा सब मस्जिद वगैरह जो है मुग़ल वगैरह बनाए थे, यहाँ पे मुग़लों को बनाया हुआ है सब है ये मस्जिद। यहाँ सारे नमाज पढ़ते थे मुग़ल लोग, सब यहाँ नमाज पढ़ा करते थे बैठ कर, जब बाबर वगैरह का राजा आया था। तो बाबर वगैरह लोग यहीं पर राज किए हैं, पहले अंग्रेज़ों ने किए हैं, पहले बाबर लोग लिए हैं, मुग़लों ने किए हैं, सॉरी, फिर अंग्रेज़ों ने बाद में किया है। और जो आप ये स्टेज देख रहे हैं, 7 बजे यहाँ रोज़ शाम को शो होता है, लाल किला का पूरा स्टोरी बताया जाता है। आर्टिस्ट लोग, बड़े बड़े कलाकार आते हैं यहाँ पे, लाल किला के हर एक जानकारी यहाँ पे देते हैं कि कौन कब राज किया है, कौन कब क्या बनाया है, मुग़लों ने क्या किया है, अंग्रेज़ों ने क्या किया है। देखिए यहीं पर होता है स्टेज, ये पर्दा हटा देगा, स्टेज यहीं पे बताया जाएगा, लेकिन इसका अलग से चार्ज है, टिकट लगता है। तो आप लोग जब भी आना हो तो 7 बजे इससे यहाँ शो चालू हो जाता है, 1 घंटा तक दिखाया जाता है दोस्तों। और देखिए नमाज वगैरह पढ़कर मुग़लों यहाँ पे बैठ के मीटिंग वगैरह किया करते थे, ये वो जगह पर है, यहाँ पर मीटिंग वगैरह किया करते थे। ये जितने भी मैंने पत्थर वाले दिखाए सब मुग़ल बनाए हैं, और ये देखिए ये जो है अंग्रेज़ लोग बनाए हैं। आपको बता दूं, जितने भी लाल बिल्डिंगें हैं अंग्रेज़ों ने बनाया है, और ये सारा पत्थर वाले जो दिखाए थे मुग़ल बनाए हैं। देखिए ये बच्चा आया है देखने के लिए, देखिए लाल किला, इतिहास इसका गवाह नहीं होगा तो किसका होगा, हैं? तो देखिए दोस्तों, 15 अगस्त के दिन इसी जीना से ऊपर चढ़ा जाता है, इसी जीना से बना हुआ है ये जीना, देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए बाहर, हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं, देख लिए आप लोग। भाइयों बहनों, मैं खुद बिक जाऊंगा लेकिन मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोग से। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरह बोलते हैं, हमें गर्व है इस बात पे। जय हिंद, जय भारत।